दोस्तों अज गल करन जा रहे हैं नॉन एस डी एस कैटेगरी के हुण नॉन एस डी एस कैटेगरी के गल करिए ज़्यादातर एप्लीकेशन जिहड़ियां नॉन एस डी एस के जांदियां वो पी टी वाले स्टूडेंट दियां होंदियां टॉफल वाले स्टूडेंट दियां होंदियां जां जिहड़े एक मोड्यूल दे विच्चों 5.5 वाले बच्चे होंदे ने ज़्यादातर एप्लीकेशन नॉन एस डी एस के होंदियां। सो हुण गल करिए पी टी ते टॉफल दी। पी टी ते टॉफल का जिहड़ा सक्सैस रेट आ वो बहुत वधिया चल रहा। ज़्यादातर वीज़े जिहड़े हैगे आ अप टू 1 मंथ ज़्यादातर एप्लीकेशन 1 मंथ के बिच क्लीयर हो रही हैं। किसी के 10 दिन लग रहे हैं, किसी 15 दिन, किसी 20 दिन लग रहे हैं। सो एंड जिहड़ा सक्सैस रेट आ वो बहुत वधिया। वीज़ाज़ भी जल्दी आ रहे हैं एंड वीज़ाज़ लग भी रहे हैं। सो सक्सैस रेट बहुत अच्छा चल रहा। सो उत्थे ही गल करिए 5.5 की। 5.5 एक मोड्यूल के जिन्हें बच्चों के सन गए वह भी नॉन एस डी एस के है पर उन्हों का जोड़ा सक्सैस रेट आ बहुत पुअर आ। हूँ सेम कैटेगरी की एप्लीकेशन होंगी है सेम जगह पर ऑटवा के प्रोसैस होंगी है बट पी टी तो टॉफल जोड़ा वीज़ा मिल जाता थोड़े समय के मिल जाता उत्थे ही जड़ियाँ एक मोड्यूल चो 5.5 वाली एप्लीकेशन वो रिफ्यूज़ हो रही। सो हाई कमीशन का यह प्रोसैसिंग है, इमीग्रेसन का जोड़ा प्रोसैसिंग है, इनू कोई भी बंदा समझ नहीं सकता। सो टाइम टू टाइम यह चेंज हों रहा। अज तो 3 महीनों बाद 4 महीनों बाद नव ट्रेंड आएगा तो वो अकॉर्डिंग बच्चे एप्लीकेशन जाएगा। सो इस तो पहला अगर गल करिए दसंबर नवंबर दसंबर 2021 तक या सितंबर 2021 तक एक मोड्यूल चो 5.5 वाली जिहड़ियां एप्लीकेशन सन उन्हां दा सक्सैस रेट बहुत अच्छा सी। बच्चे की परसेंटेज अच्छी होंदी सी, बच्चे का कॉलेज अच्छा होंदा सी, एप्लीकेशन चंगे तरीके नाल फंड्स वगैरह शो करके लाउंदे सी, वीज़ा आ जांदा सी। उत्थे जिहड़ा पी टी दे सक्सैस रेट उदों 50-50 सी, पी टी दियां 50% सक्सैस रेट सी, 50% जिहड़ी रिफ्यूजल आ रही सी। बट टाइम बीतता गया उहदे नाल जिहड़ियां नवीं पॉलिसियां आउंदियां गईआं जनवरी तो बाद जिहड़ी 5.5 का जिहड़ा सक्सैस रिफ्यूजल रेट आ बहुत हाई हो गया। ज़्यादातर एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो रही हैं तो उत्थे जिहड़ा पी टी ते जिहड़ा टॉफल है उन्हां दा जिहड़ा सक्सैस रेट आ वो बहुत अच्छा चल लग गया। हुण दूजी गल इत्थे निकल के आउंदी आ 5.5 जिहड़े एक मोड्यूल चो बैंड हन उन्हां बच्चों का फ्यूचर की है, उन्होंने की करना चाहिए। सो दो टाइप के स्टूडेंट आते हैं 5.5 के पहला तो जिन्हों बच्चों ने ऑलरेडी जां तां ऑफर अप्लाई कर रखे है जां कई ने फीस पे करके फाइल उन्हां दी एम्बेसी दे विच। सो मेरी अपील है वो सारे बच्चों अगर तुहाडे एक मोड्यूल के 5.5 हैं चाहे तुसीं कैनेडा का ऑफर अप्लाई किया स्टडी वीज़ा दे लई जां तुहाडी फीस पे होकर फाइल एम्बेसी गई है नाल नाल तुसीं अपना पी टी जां टॉफल का एग्जाम दिओ। पी टी ते टॉफल जिहड़े आइल्स के मुकाबले कितने ईजी होंदी है, सौखी होंदी है, बुकिंग वगैरह से कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता एग्जाम की, तो रिजल्ट से कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बुकिंग भी जल्दी हो जाती है, रिजल्ट भी जिहड़ा हैगा वो नैक्सट डे जां उस तो नैक्सट डे ही मिल जाता, जल्दी मिल जाता। सो तुसीं एनी टाइम चाहे तुहाडी फाइल एम्बेसी दे विच चली गई है कुछ घबराउण की लोड़ नहीं, तुहाडा पी टी का स्कोर आउंदा तां तुसीं लगी भी फाइल के विच भी वो स्कोर अपडेट कर सकते हो। दूजा तुसीं ऑफर चाहे अपना 5.5 बैंड के उत्ते मंगवा लिया चाहे किसी प्राइवेट कॉलेज का चाहे किसी पब्लिक कॉलेज का, उस तो बाद तुसीं जिहड़ी फाइल लाउणी आ उहनूं तुसीं पी टी ते ला सकते हो। जो एम्बेसी सबमिट करनी है उहनूं पी टी अपना दिखा के तुसीं सबमिट कर सकते हो। जरूरी नहीं है भी जे तुसीं ऑफर एक मोड्यूल चो 5.5 ते कीता तां तुहाडा जिहड़ा वीज़ा भी 5.5 ते अपलाई होगा, नहीं, ऑफर तुसीं किसी होर स्कोर ते मंगा सकते हो एंड वीज़ा तुसीं पी टी ते अपलाई कर सकते हो क्योंकि पी टी ते जां टॉफल ते जिहड़ा इन्हां दा सक्सैस रेट आ उह बहुत चंगा। दूसरे जिहड़े स्टूडेंट आउंदे ने जिन्हां ने आइल्स वार वार रीटेक लैके वार वार ट्राई करके एक मिनट चो 5.5 बैंड रह जाते तो घर बैठ गए हैं। सो उन्हां बच्चों नूं भी अपील है अगर वार वार ट्राई करके भी तुहाडे बैंड नहीं आउंदे, स्टिल तुसीं बाहर जाना चाहुंदे हो स्टडी वीज़ा ते, कैनेडा दा तुहाडा ड्रीम है, तो तुसीं पी टी कर सकते हो, टॉफल कर सकते हो। आइल्स नालों कितने ज़्यादा ईजी हों, आइल्स नालों जिहड़ा टाइम बहुत घट लैंदा। सो पी टी टॉफल लैके जिहड़ा प्रेजेंट सक्सैस रेट बहुत अच्छा चल रहा। कोई चंगा कॉलेज लैके जिहड़ा जल्दी ऑफर दिंदा होवे, फीस वगैरह रेडी रखो, पे करके जल्दी तो जल्दी अपनी फाइल हाई कमीशन लाओ, प्रोसैसिंग दे विच पाओ क्योंकि सक्सैस रेट प्रेजेंटली बहुत अच्छा चल रहा। धन्यवाद।